अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू रीड द ग्राफ ऑफ कीपा। कीपा का ग्राफ कई लोगों के लिए स्टार्टिंग में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, किस तरह से उसको रीड करना है। तो आज उसे डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट निकाली हुई है, इट्स नेम इज गार्डन लीप इन होज। तो हम देखते हैं कि इसका ग्राफ किस किस्म का है और हमें किस तरह से इसको रीड करना है। अब यहाँ इस ग्राफ पे आए तो आपको बहुत ही खौफनाक सी चीज सामने आ रही है और यू डोंट नो कि इसको किस तरह से करना है रीड, इसमें से क्या चीजें, कौन से फिल्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज है, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइसेस आ रही हैं कि ये प्राइसेस चल रही हैं 0 to $35 तक। उसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 3 months का ग्राफ शो कर रहा है। अगर आप इसको ईयर का करना चाहते हैं या ऑल टाइम का करना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। 2016 में ये लिस्टिंग बनी थी और उसके बाद जो है ये अब तक चल रही है, लेकिन हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं वो 3 months का ही देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो ये आपके पास सेल्स रैंक आ रहा है 0 to 4000 तक। तो हमने इसको भी रीड करना है। सबसे पहले तो मैं ये सारी चीजें, ये जो सारे फिल्टर्स हैं, ये बंद कर दूंगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इन सारों को रीड आउट करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जब होलसेल के लिए प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि क्या उस लिस्टिंग में अमेजोन मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हम यही चीज सबसे पहले नोट करेंगे। सबसे पहले अमेजोन का फिल्टर ऑन करेंगे तो अमेजोन इस लिस्टिंग में मौजूद है और वो भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली यहाँ पे वो बैठा हुआ है। थ्री मंथ में देख लें या इसको ईयरली में देख लें आप, यहाँ पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पे ये ब्लैंक है, थोड़े टाइम के लिए अमेजोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक गया है, लेकिन उसके बाद वो फिर आ गया है। 3 months में हम सिर्फ देखते हैं कि अमेजोन है, दैट मीन्स दिस लिस्टिंग इज कंपेटिटिव, ठीक है। हम जाते ही नहीं ऐसी लिस्टिंग के साथ अगर अमेजोन बैठा है वो कॉन्टिन्यूस। उसके बाद नेक्स्ट चीज है न्यू। न्यू में प्राइस होती है कि सारे जो सेलर्स हैं वो कितने में बेच रहे हैं, तो सारे उसी प्राइस पे बेच रहे हैं जिस प्राइस पे अमेजोन बेच रहा है, बिल्कुल कंसिस्टेंट चल रही है प्राइस, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूज्ड। यूज्ड की हमें ऐसे जरूरत नहीं होती है बिकॉज हम यूज तो बेचना नहीं चाहते, हम तो न्यू बेचेंगे प्रोडक्ट, यूज नहीं बेचेंगे। अगर फिर भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आजकल ये 19.40 पे ये बिका है यूज्ड में, लेकिन हम इसको ऑफ कर देंगे। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेल्स रैंक। सेल्स रैंक अच्छा होना बहुत जरूरी है कि पता चले कि कितनी सेल्स इस लिस्टिंग पे आ रही है, क्या सेल्स आ भी रही है या नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ देखें कि सेल्स रैंक बहुत ही अच्छा चल रहा है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो सेल्स रैंक इसका गया है वो है 3230। उसके बाद ये लो ही रहा है और अब आजकल जो है ये इस तरह से चल रहा है 2321, इस तरह से ये सेल्स रैंक चल रहा है इसका, ठीक है। दैट मीन्स कि ये सेल्स रैंक अच्छा है इसका और सेल्स इसकी काफी ह्यूज है। यहाँ पे अगर नीचे वाले बॉक्स में देखें तो यहाँ पे भी आपको जो ग्राफ यहाँ शो कर रहा है, अगर यहाँ पे आप नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेल्स रैंक क्या चल रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट प्राइस। मतलब जब ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ था तब क्या प्राइस थी इसकी, इट वाज लाइक 35.90 पर। इट इज आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। कलेक्टिबल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, थर्ड पार्टी एक भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहेंगे थर्ड पार्टी एफ बी एम कितने का बेच रहा है, यहाँ देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये थर्ड पार्टी एफ बी एम 20.95 का बेच रहा है। आजकल जो है ये बेच रहा है हमारे पास 30.33, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है क्योंकि अमेजोन बैठा हुआ है यहाँ पे इस लिस्टिंग में, तो इनको इस प्राइस पे नहीं मिल रहा होगा बाय बॉक्स, इनकी सेल्स नहीं आ रही होंगी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमेजोन इन दिस लिस्टिंग। वेयरहाउस डील्स होती हैं कि अमेजोन के वेयरहाउस में वो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं तो अमेजोन डील लगा दे और उसको इस प्राइस पे बेचे, ये भी हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है न्यू थर्ड पार्टी FBA। हम ये जरूर देखते हैं कि एफ बी ए कितनी प्राइस बेच रहा है, कंसिस्टेंट है नहीं है। अब यहाँ पे एफ बी ए की वही प्राइस चल रही है, यहाँ न्यू और एफ बी ए की में सेम ही चीज होती है कि ये हमें बताते हैं कि कितने पे बेच रहा है एफ बी ए सेलर, ठीक है। तो वो उसी पे बेच रहा है जिस पे अमेजोन बेच रहा है, इट इज 20.95, सही हो गया। अब देखना है कि बाय बॉक्स किसके पास है, हम ये देखना चाहते हैं कि बाय बॉक्स जो है वो आजकल किसके पास चल रहा है और किसके पास होता है मोस्टली।
तो अब यहाँ देखें कि बाय बॉक्स हमारे पास अमेजोन के पास है। अगर आप ये सारे फिल्टर्स ऑफ कर दें और सिर्फ यहाँ पे इसको देखें तो देखें ये 21.09 पे बाय अमेजोन, बाय बॉक्स मतलब अमेजोन के पास ही है, किसी और को एसेस नहीं मिल रहा, सिर्फ अमेजोन को मिल रहा है। बाकी चीजें दोबारा ऑन कर लेते हैं, सेल रैंक इसका। बाकी यूज्ड लाइक न्यू है, इसकी प्राइस शो कर सकता है अगर आप ऑन करके देखना चाहते हैं। यूज्ड वेरी गुड है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हमारी। हाँ ईबे लिस्टिंग अगर आप देखना चाहते हैं कि ईबे पे कितने का बिक रहा है तो आप देख सकते हैं। जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते होते हैं वो ये चीज जरूर देखते हैं कि हम अमेजोन पे कितने का बेचेंगे और ईबे पे हमें कितने का मिल रहा है, तो ईबे की प्राइस भी नोट डाउन कर रहे हैं। अब यहाँ देखें तो ये हमारे पास पैट्रियो लॉन हमारी जो कैटेगरी मेन कैटेगरी है, और उसके बाद ये चीज जो है ये हमारे पास सब कैटेगरी है। ठीक है, सब कैटेगरी पे भी सेल्स आती होती है, लेकिन मोस्टली आती जो मैक्सिमम सेल्स हैं वो हमारे पास मेन कैटेगरी पे ही आती है। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है वो है न्यू ऑफर्स। यहाँ पे अगर इस वाले बॉक्स में देखें ये न्यू ऑफर्स हैं, तो हमारे पास वो बता रहे हैं कि न्यू ऑफर्स कितनी चल रही हैं आजकल, 9 ऑफर्स 10, इस तरह से ये फ्लक्चुएट हो रही हैं न्यू ऑफर्स हमारे पास। ठीक है, उसके बाद रेटिंग्स हम देख सकते हैं, रेटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे रेटिंग देखें 4.6 चल रही है। रिव्यू काउंट हम देख सकते हैं किस तरह से इंक्रीज हो रहा है आजकल, हमारे पास इसकी रिव्यूज चल रहे हैं 22,221 इस तरह से चल रहा है इसका। तो ये मेन चीजें होती हैं जो हमें रीड आउट करनी होती हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीजें देखें आजकल न्यू प्राइस हमारे पास 20.98 है, अमेजोन जो है हमारे पास सेल कर रहा है 21.09 पे, बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, सेल्स रैंक देखें जो 2 चल रहा है, उसके बाद हम रिव्यू काउंट देखें 32,000 चल रहा है, रेटिंग 4.6, न्यू ऑफर काउंट 9 चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस तरह से हम रीड करते हैं कि हमने किस तरह से होलसेल प्रोडक्ट जो है वो अपने क्राइटेरिया के मुताबिक देखना है। सबसे पहले अमेजोन नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है, उसके बाद अमेजोन ना हो, उसके बाद जो चीज है प्राइस कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जिस तरह से ये लाइन चल रही है बहुत कंसिस्टेंट है। कुछ लाइन्स होती हैं जो फ्लक्चुएट करती हैं कॉन्टिन्यूस, उनको हम नहीं कंसिडर करेंगे कि प्राइस वॉर चल रही होती है उसमें। उसके बाद हम सेल्स रैंक देखते हैं, यहाँ पे जाके जो स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर जाके देखते हैं 90 डेज का सेल्स रैंक हमारे पास अच्छा होना चाहिए ताकि हमारे पास सेल्स आए। अगर वो बहुत ज्यादा हाई होगा तो हमारे पास सेल्स नहीं आएंगी, बिकॉज हमने इक्विटी पे FBA सेलर्स में डिवाइड करनी होती है सेल्स। तो जितना ज्यादा मतलब जितना कम होगा सेल्स रैंक 90 डेज का, उतनी ज्यादा सेल्स हमें मिलेंगी। तो अभी के लिए जो है आई थिंक कि आपको इसकी थोड़ी बहुत नो हाउ हुई होगी, और इसको प्रैक्टिस करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की ट्राई करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए इस ग्राफ को रीड करने की, और इसकी सारी फिजिबिलिटीज चेक करें कि हमारा प्रोडक्ट हमारे मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।